व्हाट्स अप पीपल, इट्स मी हुसैन, यू आर वॉचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो है एक ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन है। हमने इस पे पहले भी बात की थी जब ये लॉन्च हुई थी, और हाई स्पीड ट्रेन है। हमने इसको इसका एक वीलॉग भी देखा था, इंटीरियर का और एक्सटीरियर किस तरह का था। मतलब शेप इसकी बुलेट ट्रेन जैसी है फ्रंट से, और अंदर से मस्त किस्म की थी। मतलब वो हम देखते हैं ना अपू इन कोरिया के वीलॉग्स में, जो कोरिया की ट्रेन्स होती हैं मस्त मस्त सी, वैसी सीट्स थी। तो अब एक इसका एक इसमें नई चीज़ ऐड हुई है, वो है इसका स्लीपर वंदे भारत। अब मुझे नहीं पता ये पूरी ट्रेन है या कुछ कंपार्टमेंट रखे गए हैं। टाइटल यही है कि न्यू स्लीपर वंदे भारत। तो देखते हैं इस पर पाकिस्तानी लोग क्या बात कर रहे हैं, और हमें इसके विजुअल देखने को मिल जाए तो क्या ही बात है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और नई नई चीज़ें हमें सजेस्ट करो। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एन। ये तो कोई भी पाकिस्तानी आपको बता सकता है कि कितनी आसानियां पैदा okay. करते हैं। जब से देखा है हर चीज़ पे, जैसे हमने तरक्की इस वजह से नहीं किया कि हमारे लिए कोई आसानी ना है। कोई बिजनेस माइंड लोग है ना कोई, मतलब हमारे तो सारी जिंदगी कोचीज ऐड हुई है भाई। अगर ये हमारे अड़ोस पड़ोस में कई हो रही है तो हमारी आसानियाँ पैदा हो जाती है। ट्रेन इतनी साफ भी हो सकती है, हमारा जो मुल्क का खजाना है बढ़ जाता है। जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस में जंगें खत्म होती है, हम वही कंगाल के पास जाते हैं, अपने दोस्त ममालिक अरब ममालिक चीन के पास जाते हैं। इस वजह से हमारे ना कोई खर्चा पॉलिसी है, कुछ भी नहीं है। इसकी मेन वजह यही है कि आसानियां पैदा नहीं हो रही है। जो बिजनेस मैन लोग है, जो हमारे अच्छे दिमाग के लोग वो बाहर चले जाते हैं, भाई की बातों से ज्यादा मेरा ध्यान इंडिविजुअल्स पे, अरब ममालिक में चले जाते हैं। जो हमारे काबिल दिमाग है, जो जिन्होंने इस मुल्क को ऊपर लेके जाना है, वो मुल्क से निकल जाते हैं। हमने उनके जगह इधर ये 3-4 बड़ी फैमिलियाँ और कुछ बड़े लोग हैं, हमने उनको पालना है, हमने उनके दादे परदादे पाले, उनके बच्चे भी हम पालेंगे। बिल्कुल ऐसे लीडर बनते हैं, वही उनके जो पॉलिसी उनके लिए अच्छी होती है वही बन जाती है, अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं बनता। इंडिया के सऊदी अरब के साथ कुछ $54 अरब की बायलैटरल ट्रेड है, UAE के साथ $100 बिलियन पे जा रहे हैं। बट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान जो है, जिसे वो कहते हैं ना, पाकिस्तान $19 अरब का जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट करता है, ठीक है जी, जिसमें ज़्यादातर पेट्रोलियम प्राइसेस हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। लग्जरी आइटम्स होते हैं। पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट करता है वो सिर्फ $2.5 अरब एक्सपोर्ट करता है। एक तरफ जो है वो पाकिस्तानी आवाम का रोना दिखाया जा रहा था, दूसरा वर्ड नहीं बोलूँगा फिर सेंसर हो जाएगा, और पाकिस्तानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बताया जा रहा था, जिस पे मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, मेरा कोई ध्यान नहीं था इस पे। मेरा सारा ध्यान इन 4 पिक्चर्स पे था जो कि दिखाई जा रही थी, और लिटरली मैं कहता हूँ जिस तरह की ये लग्जरियस है भाई कोचेस, क्या बात है। ये मुझे नहीं पता इनका इनका फेयर क्या रखा गया है, इनकी क्या पर पर्सन क्या रखा गया है, लेकिन एब्सोल्युटली अमेजिंग, फैबुलस, वंडरफुल। मतलब देखो ना यार, इतनी साफ ट्रेन। मैं स्लीपर कोच की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जो बिजनेस क्लास चलती है मैं उसमें भी सफ़र कर चुका हूँ, इकोनॉमी में भी कर चुका हूँ, ठीक है, एसी कंपार्टमेंट में भी कर चुका हूँ, मतलब सारे पूरी ट्रेन के सारे डब्बे घूमे हुए हैं। इतनी साफ ट्रेन मुझे बिजनेस में भी नहीं दिखी, ठीक है, और बिजनेस क्लास की तो मतलब पैसे भी वाह वाह होते हैं। लेकिन ये देखो ना, इसका इंटीरियर देखो, सिंपल है बिल्कुल, और जिस तरह से लाइट्स को मैनेज किया गया है, जिस तरह से जो है ना कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, जो वो सीट है जिस पे आप लेटेंगे, ओए होए होए मज़ेदार। सिरा पंजाबी में कहते हैं ना वदिया को, सिरा हम ही कहेंगे सिरा। मज़ा आ गया देख के, क्या बात है भाई, मज़े लगे हुए आप सबके। लीडर हों तो ऐसे हों जो काम करते हों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चीज़ें शेयर करते रहिएगा। कभी कभी बुरा भी लगता है यार, देखो ना, मतलब इकट्ठे शुरू हुआ था ये सफ़र 75 साल पहले, और हम कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए, लेकिन स्टिल एक बात है कि लीडर अच्छे हों तो सब अच्छा हो जाता है। वाह मोदी जी, हम यही बोलेंगे वाह। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।